अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना अमीन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी मिल सके। क्योंकि आपको तो मालूम है कि हम दिलचस्प वीडियोस सिर्फ आप लोगों के लिए ही अपलोड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेस और ड्रामों की और आम लोगों के बारे में। तो चले शुरू करते हैं। आमतौर पर हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की बात करें तो कहने सुनने में आया है कि ये हकीकत से करीब तर होते हैं, लेकिन मुझे ये बात ये किस्सा कहानी से ज़्यादा की नहीं लगती। अगर हकीकत की बात करें तो आवाम की राय है कि उनकी लव स्टोरी माशरे की सच्ची कहानियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम कहानियों की डायरेक्शन और प्रोडक्शन की बात करें तो वो तो इंतहाई बेवकूफ़ाना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये ड्रामे अवार्ड कैसे जीत लेते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ तो सभी हैं मगर मनाजिर तो गैर हकीकी हैं, क्योंकि इनमें हकीकी माशरे की झलक तो नज़र नहीं आती। ऐसे ही कुछ बेवाना और अनमैच डायरेक्शंस और मनाजिर के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, हैंगर्स के साथ कपड़ों की पैकिंग। आपने कहीं जाना हो तो कपड़े कैसे पैक करते हैं, कमेंट सेलेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ड्रामों की, जहाँ पे कपड़ों की पैकिंग कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ बीवी की लड़ाई हुई सास या शोहर साहब से, तो वहाँ हैंगर समेत ही बैग के अंदर कपड़े पैक कर लिए जाते हैं, जबकि आम जिंदगी में कभी भी ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिलते। फर्ज करें अगर हम इस तरह रख भी लें तो बैग के अंदर तो दो ही सूट आएंगे, क्योंकि एक जानब तो हैंगर्स के कपड़े रखने की जगह होगी और दूसरे जानब हैंगर की। और मैके जाते ही जो ही बीवी को जेवर की याद सताई तो वो तो एक अलग बात है। नंबर 2, खुले बालों के साथ खाना पकाना। मेरे तो जब भी बाल खुले होते हैं तो मेरी अम्मी सर पे चपेट लगा के कहती हैं, नंगे सर शैतान धुएं मारता है, इससे सर पे दुपट्टा लो कहीं खाने में बाल ना गिर जाए। मगर हमारे ड्रामों के मनाजिर तो उनसे मुख्तलिफ होते हैं। हीरोइन साहिबा बाल खुले पूरे मेकअप के साथ किचन में खाना बना रही हैं, लेकिन अपनी जुल्फों को भी खाने में शामिल करने का हक अदा कर रही हैं, और खाना भी क्या बनता है, लजीज। नंबर 3, ऐसा मेकअप जो सोने जागते चेहरे के साथ चिपका रहता है। क्या आप रात को मेकअप करके सोते हैं, हाँ या नहीं, कमेंट सेलेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मेकअप के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन साइड इफ़ेक्ट का हमारी हीरोइन को तो नहीं पता, क्योंकि वो रात को सोती भी मेकअप के साथ हैं। बदतमीज़ी की हद तक जहीन बच्चे। मुझे इतना पता है कि जब भी स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए बच्चों की प्रैक्टिस करवानी होती थी तो ना भी तो मजाल है कि बच्चा एक भी स्टेप सीधे और सही तरीके से कर ले, मगर पाकिस्तानी ड्रामों को ये एजाज़ बिल्कुल हासिल है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़े ही जहीन हैं, हकीकी ज़िंदगी में कहीं भी नज़र नहीं आते, और इनकी बातें पूरे ड्रामे के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होती हैं। जबकि हमारे बच्चे तो अभी तक यही समझते रहते हैं कि रात को टोकरी लेके जो फरिश्ता आता है दरवाजे के बाहर, दर हकीकत में बहन और भाई छोड़कर वही जाता है।